लोगों को ये तो पता है कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे रोना है, कचरा कहाँ डालना है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन दुनिया में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कैसे जाते हैं, मतलब कि टॉयलेट, वहाँ पर किस तरह से बैठना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में क्या आप जानते हैं कि शौचालय में बैठने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्योंकि ज्यादातर लोग गलत तरीके से बैठते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि वेस्टर्न टॉयलेट में किस पोजीशन में बैठना चाहिए, तो आज इसके बारे में जानेंगे, जो आपकी बाथरूम की आदतें भी बदल देगा। देखो, कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत गंदा लगेगा, लेकिन इसके बारे में जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट से बवासीर, कब्ज, सूजन, आंत्र रोग, एपेंडाइसिटिस और यहाँ तक कि दिल के दौरे जैसी प्रॉब्लम होती है। और ये सारी प्रॉब्लम फ्लश टॉयलेट आने के बाद शुरू हुई, जिसका आविष्कार 16वीं सदी के अंत में सर जॉनसन हैरिंगटन ने किया था, पर 19वीं सदी के दौरान बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होने लगा और आज के समय में इंडिया भी इसका इस्तेमाल करने लगा है। डॉक्टर भी यही बताते हैं कि यदि इसके बारे में आपको सबूत चाहिए तो बहुत सारे सबूत है कि वेस्टर्न टॉयलेट में हम जिस तरह से बैठते हैं उस स्थिति को बदलने की जरूरत है, जो शरीर की रचना को भी बदलता है। सबसे पहले, वास्तव में आप टॉयलेट पर कैसे बैठते हैं? इस तरह से, और आपको लगता था कि ये कोई समस्या थोड़ी ना है, है ना? या कभी कभी इस तरह से, तो ये तो सबसे खराब स्थिति है। इसका मतलब है 19 डिग्री की स्थिति में, जिस पर आपका ये भाग सीधा होता है, तो इस तरह से आपकी आंतों का प्राकृतिक मार्ग बंद हो जाता है, यानी कि जहां से आपका मल आता है। अब इस इमेज को देखिए, इसे कहते हैं 35 डिग्री की पोजीशन, जो बहुत ही अलग पोजीशन है। यह पोजीशन जब लोग टॉयलेट के लिए जंगल में जाते थे, मतलब कि गांव के लोग जो घर से बाहर पहाड़ियों में या आसपास के छोटे मोटे जंगल में चले जाते हैं, और दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियों में इसी पोजीशन से होता है। तो पश्चिमी दुनिया के देश जो विकसित देश है, वहाँ के ज्यादातर लोग इस पोजीशन में बैठते हैं, जबकि विकासशील देश के ज्यादातर लोग इस पोजीशन में बैठते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आपको कौन सी पोजीशन में बैठना चाहिए, कौन सी पोजीशन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। देखो, सबसे पहले इस पोजीशन की बात करते हैं। अगर आप इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपका ये वाला भाग टेढ़ा हो जाएगा, तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह से आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो ये वाला भाग है वो ज्यादा खुल नहीं पाएगा। और अगर आप ज्यादा ताकत लगाएंगे तो अंदर की साइड बृहदान्त्र नाम की एक दीवार होती है, जिसको काफी नुकसान होता है, इसीलिए कभी कभी लोगों को बृहदान्त्र का कैंसर होता है। तो अगर आपने इस पोजीशन में यह काम पूरा किया, मतलब कि आप हर रोज ऐसे ही करते हैं, तो आपने भौतिक विज्ञान के नियम के खिलाफ यह काम किया, क्योंकि उनके अनुसार यह सबसे खराब स्थिति है। इससे आपको कब्ज, सिड़सिड़ा आंत, बवासीर और यहाँ तक कि बृहदान्त्र कैंसर भी हो सकता है, जिसकी हमने बात की। अब इस पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इस इमेज को देखो, इसमें सब क्लियर है कि आप इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपका ये वाला भाग एकदम सीधा रहेगा, जिससे आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार कोशिश करके देखें, क्योंकि तब जाकर आप इस बात को समझ पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और आज के समय में इंडियन लोग वेस्टर्न टॉयलेट को ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं, जो आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो आप अपने पैर को किसी बॉक्स या स्टूल पर रखकर आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।